बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो. आज के यूट्यूब वीडियो का टॉपिक गाइस कुछ काफी ज्यादा रिलेटेबल है. दिस एक्चुअली इज अ टॉपिक दैट यू गाइस हैव रेकमेंडेड कि मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए. एंड आई एम श्योर जब मैं आपको टॉपिक बताऊंगी ना, विच इज हाउ टू डील विद फेलियर इन लाइफ, तब आपको लगेगा हाँ यार एक्चुअली ये टॉपिक की तो जरूरत है, इस वीडियो की तो बहुत जरूरत है. बिकॉज नो मैटर हाउ मच वी हेट फेलियर, नो मैटर हाउ मच टफ दैट टाइम इन आर लाइफ इज, हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी फेलियर को डील करना लिखा ही है. बट गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना आई वॉन्ट टू हैव अ क्विक डिस्कशन ऑन वॉट एक्चुअली इज फेलियर. यू नो हम में से काफी लोग को लगता है फेलियर मीन्स कि मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, या फिर मतलब मेरे से हो ही नहीं सकता, मुझे गिव अप कर देना चाहिए. फेलियर एक्चुअली डज नॉट मीन एनी ऑफ दीज थिंग्स. फेलियर एक्चुअली मीन्स कि मेरी लाइफ में मेरा एक गोल है, बट जिस तरीके से द वे आई एम यूजिंग और द वे आई एम यू नो ट्राइंग टू अचीव दैट गोल थ्रू इज नॉट करेक्ट. मतलब मेरे गोल में प्रॉब्लम नहीं है, मुझ में तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस तरीके से मैं उस गोल को अचीव करना चाह रही हूँ उसमें थोड़ा इशू है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है. तो द नेक्स्ट टाइम यू फेल गाइस ऐसे मत सोचना कि यार नहीं यार मैं कभी ये कर ही नहीं पाऊंगी, मुझसे तो ये होगा ही नहीं, मुझसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता. आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू डू इट. नो गाइस एक्चुअली यू जस्ट नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव एंड योर वे ऑफ डूइंग दैट. हमारे पास ए से लेके जेड लेटर्स है, 26 लेटर्स है, मतलब हर गोल को अचीव करने के 26 तरीके भी है. तो अगर प्लान ए बी सी डी फेल हो गया है तो ई एफ जी एच जेड तक प्लान है आपके पास. सो द नेक्स्ट टाइम यू फेल यू आर नॉट सपोज टू गिव अप, यू जस्ट सपोज टू चेंज योर वे ऑफ अचीविंग दैट पर्टिकुलर गोल. लुक एट अ टॉडलर फॉर इंस्टेंस, ऐसा तो नहीं होता ना कि वो एक दिन उठते हैं एंड दे रैंडमली स्टार्ट वॉकिंग और एकदम से एक दिन में उनको झट से सब आ जाते हैं, चलना कैसे है, खड़े कैसे होना है एंड ऑल दैट. नो इट टेक्स देम टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे करके यू नो टू स्टेप्स एंड इवेंचुअली गाइस एक पॉइंट आता है जब वो चल पाते हैं प्रॉपरली. ऐसा नहीं होता दैट दे डू इट ऑन डे वन, या फिर ऐसा भी नहीं होता कि वो बच्चा अगर डे वन या डे टू में नहीं प्रॉपरली चलना सीखता तो वो कन्विंस हो जाता है या फिर वो ट्राई नहीं करता कि यार नहीं आई डोंट नो हाउ टू वॉक, आई विल नेवर नो हाउ टू वॉक, मैं चल ही नहीं सकता. ऐसा तो नहीं है ना, इवेंचुअली धीरे धीरे विद प्रैक्टिस वो चल सकता है. सिमिलरली वी आर ऑल्सो नॉट सपोज टू गिव अप एंड वी आर सपोज टू कम अप विद न्यू वेज टू अचीव आर गोल्स. तो एक्चुअली ये चीज़ है जो हम बच्चों से सीख सकते हैं. द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लव टू टॉक अबाउट इज, जो शायद आप लोगों को लगे यार ये बात थोड़ी अजीब है, बट इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड, विच इज हाउ डज फेलियर हेल्प अस ग्रो इन लाइफ. यू नो मोस्ट ऑफ अस हैव अ वेरी सक्सेस माइंड सेट, मतलब हमें हर चीज में सक्सेस चाहिए, वी हैव टू बी द नंबर वन एट एवरी थिंग और हमें जीतना है, वी हैव टू बी विनर्स. ऑनेस्टली दैट्स नॉट अ रॉन्ग अप्रोच इन लाइफ, बिकॉज ऑफकोर्स अगर मेरा कोई गोल है या फिर मुझे कुछ फुलफिल करना है तो मुझे जीतना ही है ना. इट्स नॉट लाइक आई डोंट वॉन्ट माई गोल्स टू कम ट्रू, इट्स नॉट लाइक आई वॉन्ट टू लूज. बट गाइस समटाइम्स फेलियर एक्चुअली हेल्प्स अस ग्रो, बिकॉज एक तो बहुत बड़ी चीज़ जो होती है इज दैट जो हमें लगता है ना हमारी गोल्स या ड्रीम्स हैं वो एक्चुअली होती नहीं है. बट इट्स ओनली आफ्टर फेलियर हिट्स यू कि आपको रियलाइज होता है नहीं यार मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे एक्चुअली ये चाहिए था, मेरा पाथ ये नहीं था, मेरा पाथ एक्चुअली वो था. एंड सेकेंडली गाइस इट्स आफ्टर फेलियर दैट वी रियलाइज वॉट आर स्ट्रेंथ्स आर, कि हमें एक्चुअली करना क्या है और हमें एक्चुअली करना क्या आता है. फेलियर से जब नेक्स्ट टाइम हम सक्सेसफुल होते हैं वी वैल्यू इट मोर एंड इट ऑल्सो गिव्स अस अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव. यू नो द वन थिंग आई हैव नॉट शेयर्ड इन माई वीडियोज अभी तक इज दैट एट अ पॉइंट इन माई लाइफ आई वॉज डूइंग लॉ एंड मैंने 4 months में वो कोर्स छोड़ दिया था. एंड गाइज दिस वॉज जस्ट बिफोर द पैंडमिक हिट अस, तो दैट ईयर वॉज क्वाइट अ स्ट्रगल फॉर मी बिकॉज ऑफकोर्स नेक्स्ट कॉलेज में जिसमें मुझे जाना था उनके एंट्रेंसेज नहीं हो रहे थे, आई वॉज एट होम एंड आई एम समबडी हु लव स्टार्टिंग. तो वो कुछ मंथ्स ना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थे बिकॉज आई जस्ट डिडंट नो व्हाट टू डू. मेरे सारे फ्रेंड्स यू नो या तो ऑफिसेज जा रहे थे या कॉलेजेस जा रहे थे एंड आई हैड टू वेक अप एंड गो नोवेयर एंड दैट्स नॉट द काइंड ऑफ पर्सन आई एम. बट यू नो जो मुझे इतने साल लग रहा था ना कि नहीं मुझे शायद ये करना है, दैट वन ईयर एक्चुअली चेंज्ड एवरीथिंग. इट इज दैट ईयर दैट आई बिकेम अ लाइफ कोच गाइस, दैट आई स्टार्टेड माई जर्नी. तो अगर मानो मुझे तब वो फेलियर हिट ही नहीं करता क्योंकि मैं अपनी ड्रीम लॉ स्कूल में नहीं जा पाई थी तो मैं आज यहाँ नहीं होती. That's why I'm telling you that sometimes failure, actually most of the times, failure actually helps us to grow. And guys, अब मैं आपको बताने वाली हूँ how to deal with failure. The number one way of dealing with failure is, first one, is never give up. A lot of times, you know, हमारे life में बड़े सारे goals होते हैं. We have to do things career-wise, relationship-wise, personal growth journey-wise, and we're on that journey. बट कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट गो में ना नहीं हो पाते वो ड्रीम्स ट्रू, वो नहीं आ पाते वो गोल्स ट्रू. बट एट दैट टाइम ना गाइस डोंट गिव अप, डोंट बिलीव इन द वर्ड्स ऑफ पीपल अराउंड यू जो नए सेयर्स हैं जो एक्चुअली डे वन से ही चाहते थे आप फेल हो जाओ और जो बस वेट ही कर रहे होते कि कुछ गलत और वो बोले देखा मैंने तो कहा था यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. वो मत करो गाइस,
ये सोचो कि ठीक है कोई नहीं यार, इस बार ही नहीं हुआ ना, नेक्स्ट टाइम पक्का हो जाएगा. अपने आप से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है. द नंबर टू थिंग दैट नंबर सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू वाइल डीलिंग विथ फेलियर इज टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम पीपल अराउंड यू. कभी कभी ना हमारे आसपास के लोग, नॉट नेसेसरली प्रोफेशनली ये बोल रही हूँ, बट हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास की चीज़ें, हमारी आसपास की इन्वायरमेंट्स ही एक्चुअली हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देती हैं. तो इफ़ इन केस यू आर स्टक एट अ प्लेस, आपको लग रहा है ना यार मेरी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, मैं बोर हो गया हूँ, लाइफ डल है, बड़ा मोनोटोनस सा है ना, तो जस्ट गो फॉर अ ट्रैवल इफ़ यू कैन डू दैट. जाओ नई सिटी, जाओ नए लोगों से मिलो, नए कल्चर्स को देखो. कभी कभी ना एक्चुअली वो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकता है. द थर्ड थिंग दैट यू कैन डू एंड वी मस्ट डू, ये तो फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, इज दैट गाइज प्लीज डोंट सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु आर नेगेटिव, जो हमेशा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ के सबसे बड़े क्रिटिक्स हैं, जिनको सिर्फ आप क्या गलत कर रहे हो वो ही दिख रहा है. एंड फॉर एवरी हैप्पीनेस इन योर लाइफ दे हैव एन इशू. तो उन लोगों से तो बहुत बहुत दूर रहो एंड जस्ट सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, गुड पीपल, चेयरफुल पीपल, पीपल हु मोटिवेट यू. एंड यू नो वो वाले लोग जो अगर आपका प्लान ए नहीं वर्क करा तो प्लान बी में आपके साथ बैठ के देखेंगे कि कैसे आपके गोल्स को ट्रू करना है. And the last and the most important thing, guys, that you have to do is motivate yourself. खुद से बात करो. सबसे important motivation ना, ये मेरी mom ने actually मुझे video shoot करने से just पहले ही बोला है कि सबसे बड़ी motivation ना self motivation होती है. खुद को motivate करो. Talk to yourself like you talk to the person you love the most. अपने आप को इतना motivate करो, अपने आप को इतना ज़्यादा confidence से भर दो ना कि बस लगे यार मैं ही करूँगा ना, मैं ही नहीं करूँगा तो कौन करेगा. Guys, remember, success comes to those who never give up. आप सक्सेस के पीछे भागो, आप सक्सेस के पीछे जो करना है करो, पर फेलियर से मत डरो यार, क्योंकि अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो फेलियर्स तो आते जाते ही रहेंगे. बस उनको डील करो, उनको फेस करो एंड उनसे घबराओ मत. बाकी मैं तो हूँ ही, मुझे सब्सक्राइब कर लो, वैसी लाइफ बढ़िया हो जाएगी. आई होप दिस वीडियो हेल्प यू आउट गाइस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.